मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अब काम नहीं कर रहा फाइन लाइन रिंकल्स जितनी स्मूथ होनी थी हो गई चेहरा भी ब्राइट लग रहा है पर अब मेरे स्किन पे और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा आई थिंक आई नीड समथिंग स्ट्रोंगर ये आप मुझसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में और आज की वीडियो है इसी टॉपिक पे व्हाट इज स्ट्रॉगर देन योर रेटनॉल एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो आपके रेटनॉल से 2x ज्यादा एक्सोंगर है जो आपके एंटी एजिंग रूटीन को और ज्यादा पावरफुल बनाएगा आज हम इसके बारे में बात बात करेंगे करेंगे ये भी कि इसको अपने स्किन के रूटीन में कैसे इंट्रोड्यूस करें और कैसे इनको करें हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड मेरा नाम है निपुन आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट आज की वीडियो इज ऑल अबाउट मेकिंग योर रेटनॉल टू more powerful by using another new ingredient वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक like कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर एंड अगर आप एंजॉय करते हैं एक साइंस डेली बिकॉज ओनली चैनल ऑन प्लान आपको मिलते हैं routines, content, और एक नई वीडियो जाती है चैनल पे रोजाना सो so, अगर आप इस तरह का कॉन्टेंट एंजॉय करते हैं डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके रूटीन को रिव्यू करूं मुझसे बात, बात करना चाहते हैं चैनल मेंबरशिप्स फॉर नाइन रुपीज और टेन डॉलर अंथ ज्वाइंट बटन है सब्सक्राइब बटन के साइड में अगर आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड क्योंकि काफी लोगों को यह मिलता नहीं है एंड आई थिंक इट्स यूट्यूब इशू एनी विच वेज लेट्स स्ट्रेट टू दीडियो वीडियो शुरू करने से पहले एक सेकेंड

और रेटिनॉल कन्वर्ट करता है खुद को अपने आप स्किन पे इनटू रेटिनोइक एसिड चार स्टेप का कन्वर्जन प्रोसेस है सो so अगर आप एक रेटिनॉल एस्टर बेस्ड सीरम या रेटिनॉल एस्टर बेस्ड क्रीम लगा रहे हैं ऑब्वियसली स्किन को ये चार स्टेप का प्रोसेस करना पड़ता है इंग्रेडिएंट को ब्रेक डाउन करके स्किन पे ये चार स्टेप का प्रोसेस करना पड़ता है तो रिजल्ट्स देखने में कम डिजाज देखने में ज्यादा टाइम लगता है अगर आप यूज करते हैं रेटिनॉल एक सेरम में या क्रीम फॉर्म में जो यूजुअली कॉन्सेंट्रेशन के साथ आता है 0.1% 0.3% या 0.6% जो काफी स्ट्रॉन्ग है ये इस रेटिनॉल को थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि ये ऑलरेडी रेटिनॉल है ये कन्वर्ट करता है इंटू रेटनॉल एंड देन इंटू रेटेनॉइक एसिड अगर तो आप एक ट्रेटनॉइन यूजर है मेरी तरह आप यूज कर रहे हैं फार्मेसी में मिलने वाला ट्रेटनॉइन जीरो वो रेटेनॉइक एसिड है

जब आप उसे, उसे चेहरे पर लगाते हैं उसे कुछ कन्वर्ट करने की प्रोसेसिस की जरूरत नहीं पड़ती है एंड इज सुपर गुड बिकॉज आपके स्किन पे सबसे जल्दी इन अबाउट दिखना शुरू होता है लेकिन सीधा ही सीधा जाके अगर आपने फार्मेसी से बिना प्रिस्क्रिप्शन के यूट्यूब खरीद ली और मॉइस्चराइजर के साथ जैसे लगाना शुरू कर लिया आई प्रोमिस यू आपकी स्किन बहुत खराब हो जाएगी सो नेवर डू दिस आई रेकमेंड इन ऑल ऑफ माई वीडियो स्टार्ट विदेंटल रेटनॉल एस्टर मूव टू अटेनॉल उसके बाद अगर आप चाहें तो रेटनाल पे मूव कर सकते हैं रेटनाल किस क्रॉप ब्रांड में आता है वेल well, जो ब्रांड में आता है बहुत बहुत अच्छा है लेकिन बहुत बहुत महंगा है एंड दैट इज बाय मेडिकेट 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 का रेटनाल सेरम इज एक्चुअली फैब्यूलस बिकॉज ये थर्ड स्टेज है जिसको सिर्फ रेटनोइक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ता है जेंटल है नॉन इरिटेटिंग है मोस्ट यूजर्स लव इट

जेंटल है इट इज नॉट एज स्ट्रॉग एज योर ट्रेटनॉइन और योर टेजोर बट इट इज जेंटल लेस इटिंग वेरी वेरी इफेक्टिव लेकिन ये बिगिनर फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था दैट इफ यू आर अ रेटनॉल यूजर एंड आपको लगता है कि रेटनॉल ने जो जो आपके लिए करना था कर चुका है देन यू माइस्ट बी रेडी फॉर व्हाट इज कॉल्ड रेनेक्टिव रेटेनॉइड लेटमी ऑल्सो टेल यू के ग्रैंड एक्टिव रेटेनॉइड एक्चुअली एक कॉमन नाम है इसका साइंटिफिक ने बहुत जल्दी मुझे पता है कि लोग इनग्रीडियंट्स में लिखना शुरू करेंगे एंड यू विल थिंक दट ओमाई गॉड दिस इज अल न्यू इनग्रीडियंट जो ये नहीं है दैट इज हाइड्रोक्सी पीनाकोलोन रेटेनोइड हाइड्रोक्सी पीनाकुलन रेटेनॉइड साइंटिफिक नेम है

पेनेट्रेट करता है और स्किन में बेटर रिजल्ट देता है इसलिए लॉर्ड ऑफ पीपल से दैट ग्रक्टिव रेटनॉइड एक ऐसी चीज है जो ओवरनाइट काम करती है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड स्किन केयर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो ओवरनाइट काम करती है कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे बट इन जनरल वेन वी से इट वर्क ओवर नाइट अगर आपने सुना है दैट दिस वर्क ओवर नाइट दिस वर्क फास्टर दिस वर्क बेटर एंड दैट इज अबाउट इट ओवरनाइट कोई भी रेटेनॉल इंक्लूडिंग ट्रेटनॉइन ओवरनाइट कुछ भी काम नहीं करता बट ऑब्वियसली दिस वर्कस मच मच फास्टर यह आपकी स्किन पे कन्वर्जन प्रोसेस नहीं होता है एंड विच इज वाई ये डिरेक्टली एज इस प्रोडक्ट पेनिट्रेट करता है एंड इट गिवस यू रियली रियली गुड रिजल्ट ये किसके लिए आइडियल है उनके लिए आइडियल है जो रेटनाल रेटनॉल यूज कर चुके हैं ट्रेटनॉइन अभी यूज करना नहीं चाहते और चाहते हैं कि हम कोई और चीज अभी यूज करें जो हमारे स्किन केयर एंटी एजिंग रूटीन को बूस्टअप करे उनके लिए है एक्टिव और एक और टाइप के लोग हैं जिनके लिए एक्टिव रेटनोइड है और वो ये लो, वो ये लोग हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव है जिन्हें पता है ऑलरेडी ऑलरेडीनोइन को हाथ लगाने से पहले भी कि हमारी स्किन पे ये सूट नहीं करेगा हमें बॉस पीलिंग होगी इरिटेशन होगी आर स्किन इज सेंसिटिव सो यू डोंट टू पुट योर स्किन थ्रू अ लॉट ऑफ टॉर्चर

वो है उसका टेम्परेचर कंट्रोल सो मोस्ट ग्रेन एक्टिव एंड ऑर्डनरी के एक्टिव काफी एक्सटेंसिवली टेस्ट हुए हैं एंड ग्रक्टिवरी आपको कहता है कि इसे 25 डिग्री के टेम्परेचर पे स्टोर करें तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है टॉकिंग से द कंट्रीज और इवन इंडिया इन द समर्स जहां चालीस पचास डिग्री तक टेम्परेचर जाता है और घर के अंदर का टेम्परेचर भी कुछ तीस डिग्री तक चला जाता है देन यू माइट वॉन्ट टू स्टोर दिस इन अ रेफ्रिजरेटर आफ्टर यू ओपन द प्रोडक्ट या आप इसको एक वाइन चूल्ह में भी स्टोर कर सकते हैं बट बेसिकली 25 फाइव डिग्रीज आम्बियन टेम्परेचर आपको मेन्टेन करना है अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह है आपके अलमारी के अंदर या कहीं भी जहाँ कूल ड्राई 25 डिग्री तक आम्बियन टेम्परेचर होता है आप वहां भी स्टोर कर सकते हैं बट इफ नॉट देन यू मे वॉन्ट टू रेफ्रिजरेट इट नंबर थ्री यू शुड बी टॉसिंग दिस आउट आफ्टर थ्री टू फोर मंथस इन द मार्केट जो जिससे क्या उसको आप छह महीने तक भी यूज कर सकते हैं बट इन जनरल ये दो चीजें हैं जो आपको ग्रेन एक्टिव रेटनॉइड के बारे में याद रखनी है अब बात करते हैं ग्रैंड एक्टिव रेटनॉइड के बारे में और कौन से हैं जो मैं रिकमेंड करती हूँ सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस ब्रांड के साथ जिसने ग्रैन एक्टिव रेटनोइड हमें दिए सबसे पहले हमें ग्रैन एक्टिव रेटनोइड मिले फ्रॉम द ब्रांड ऑर्डनरी एंड ऑर्डनरी का टू परसेंट ग्रैंड एक्टिव रेटनोइड जो है ये एक अनहाइड्रस सॉल्यूशन है यानी कि इसमें पानी नहीं है ये ऑयल बेस्ड है इसलिए ये वाला जो ग्रैंड एक्टिव रेटनोइड है मैं उनके लिए रेकमेंड करती हूँ जिनकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है ऑयली स्किन वालों के लिए ऑर्डनरी का जो रेटनॉल का फॉर्मूला है दिस वन विच इज दॉल टू परसेंट अनहाइड्रो सोल्यूशन है ऑयल बेस्ड है टेक्सचर में भी ऑयल बेस्ड आपको फीलिंग आती है इसलिए आई वुल नॉट रेकमेंडेड फॉर सम वन हुज ऑयली स्किन दिस इज आइडियल एंड इट्स ब्यूटिफुल इफ यू हैव ड्राई स्किन आई हैव ड्राई स्किन आई हैव यूज दिस इयर्स अ एंड इट इज अ ब्यूटिफुल फॉम्यूला एंड आई रेकमेंडेड इफ यू हैव नॉर्मल टू ड्राई और ड्राई स्किन अब बात करते हैं एक और प्रोडक्ट की जो भी बहुत अमेजिंग है एंड विल वर्क फॉर बोथ ऑयली एंड फॉर ड्राई स्किन एंड दैट इज द मिनिमलिस्ट ग्रैन एक्टिव रेटनॉइड टू परसेंट ये आता है क्रीम फॉर्म में अब क्योंकि ये क्रीम फॉर्म में है नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले यूज कर सकते हैं

एलियो लव्स ऑयली स्किन और राधव ऑयली स्किन लवस एलियो बिकॉज उससे आपको मिलता है जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन अलॉन्ग विद मॉइस्चराइजिंग विदाउट मेकिंग ऑयली ये है मेरे चार रिकमेंडेशन ऑफ ग्रेन एक्टिव रेटनॉइड फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्किन टाइप्स लाइक आई सेड अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि रेटनाल नहीं यूज करते सीधा रेटनॉल भी यूज नहीं करते लेट्स जस्ट जम्प टू ग्रेन एक्टिव रेटनॉइड

पूरे बॉडी पे रिंकल्स आने हैं वॉर एवर पार्ट ऑफ द बॉडी यू कैन गिव एंटी एजिंग बेनिफिट्स इज गोइंग टू बी वर्थ योर वाइल एंड इफ यूर अ अटनॉल यूजर लेट्स यू बिन यूज़िंग द मिनिमलिस्ट जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट रेटनॉल

इवन इफ यूर अ रेटनॉल यूज अर डोंट गो अड ऑफ योर सेल्फ इसको सीधा हफ्ते में तीन बार मत यूज करें जो पुराना प्रोसेस फॉलो किया था वेन यू स्टार्टेड रेटनॉल डू दैट स्टार्ट विद वन टू टू टाइम्स अ वीक देन दो हफ्ते के बाद मेक इट थ्री टाइम्स अ वीक फिर और दो हफ्ते के बाद मेक इट फोर टाइम्स अ वीक कॉन्स्टेंटली लिसन एंड मॉनिटर monitor your skin and i will see you tomorrow with another video till then take great care of yourself bye